हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट तो नहीं है, एनुअल किंगडम ही है, उसी में हम लोग बात कर लेते हैं साइक्लोस्टोमेटा की। अपना साइक्लोस्टोमेटा से पहले के जितने भी जो टॉपिक है वो सारे कवर हो चुके हैं आपके एनुअल किंगडम के, ठीक। तो उनके आपके प्ले लिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। सारे लाइव क्लासेस में आप लाइव क्लासेस भी करवा दी है मैंने, कुछ फाइलम की और कुछ आपके वहां पर भी है, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग स्टार्ट कर लेते हैं साइक्लोस्टोमेटा। बच्चा साइक्लोस्टोमेटा की अगर बात कर लिए तो उसको आप लोग कहते हैं फॉल्स फेस के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा भैया, साइक्लोस्टोमेटा जो है उसको फॉल्स फेस के नाम से भी जाना जाता है आपका, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स की बात कर लिए तो ऑल आर एक्टोपैरासाइट। इसके जितने भी जो मेंबर्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं आपके एक्टोपैरासाइटिक नेचर के होते हैं आपका, ठीक। एक्टोपैरासाइट नेचर के, पैरासाइट मतलब जानते हो किसी, पैरासाइट आप मतलब जानते हो किसी दूसरे की बॉडी होस्ट पे डिपेंड रहते हैं, यानी दूसरे से अपना खाना लेते हैं, उसकी बॉडी पे आपके चिपक जाते हैं और उससे आपका खाना लेते हैं। अब एंडो भी हो सकते हैं चाहे वो एक्सो भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके बालों में अगर हम लोग बात करें जुएं की, जुएं क्या है, वो भी पैरासाइट है, आपका खून पीते रहते हैं, खून आपको उससे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं आपका, ठीक। तो ये कैसे होते हैं, इसके जितने भी जो मेंबर्स हैं वो सब आपके पैरासाइट होते हैं, वो भी कैसे, एक्टोपैरासाइट, यानी बॉडी के बाहर से रहकर आपका खाना खून पीते हैं आपका, जैसे जुएं टाइप में, ठीक। इनमें अगर हम लोग बात करें तो भैया 6 से लेके 15 पेयर ऑफ गिल स्लाइड्स प्रेजेंट होती है, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लाइड्स फॉर रेस्पायरेशन। इसमें 6 से लेके 15 जोड़ी आपके गिल स्लाइड्स पाए जाते हैं फॉर रेस्पायरेशन के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान से सुन लीजिएगा भैया, इंपॉर्टेंट है। जितनी भी जो फेसेस का भी आगे पढ़ेंगे उन सब में ध्यान रखिए किसमें कितने पेयर आप गिल स्लाइड्स देखने के लिए मिल रहे हैं आपका, ठीक। इनके अगर माउथ की बात करें तो भैया माउथ में इनके दांत नहीं पाए जाते हैं, जॉस प्रेजेंट नहीं होते, ये बिना जॉस के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बूढ़ी दादी लोग जिनके दांत पूरे झड़ चुके होते हैं, उसी तरीके से उनका माउथ देखने को मिलता है। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ आपका, ठीक। सकिंग सर्कुलर माउथ देखने को मिलता है बिना जॉ के आपका, ठीक। अगर हम लोग बात करिए भैया तो इसमें क्या होता है, बॉडी में पाए जाते डिवाइड ऑफ स्केल्स आपका पेयर फेंस देखने के लिए मिल जाते हैं आपका, ठीक। इनमें जो क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम होती है वो होती है कार्टिलेजिनस की देखने के लिए मिल जाती है। क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम का होती है आपकी कार्टिलेजिनस देखने को मिल जाती है। सर्कुलेशन होता है वो कैसा रहता है आपका, क्लोज टाइप का। ध्यान रखना बच्चे, आपके जो कॉर्डेटा के जितने भी जो मेंबर्स आ रहे हैं आपके उन सब में आपका क्या रहेगा, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिले, चाहे फिर वो एम्फीबिया हो, चाहे रेप्टाइल हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे मैमल्स हो, कुछ भी हो आपका, ठीक है। इनके जो मेंबर्स होते हैं इनमें क्या करते हैं, ये जो इनका जब ब्रीडिंग का सीजन होता है, ब्रीडिंग के टाइम पे जब क्या होती है, एग लेइंग का जब बच्चे देने का टाइम आता है तो इनकी जो फिशेज होती हैं फीमेल फिशेज वो करती हैं आपकी, वो मराइन वाटर से क्या करती है आपकी फ्रेश वाटर की तरफ आपकी जाने लगती है आपका, ठीक है। फ्रेश वाटर में जाती है नदी तालाबों में, वहां पर जाकर अपने एग रिलीज कर देती है आपका, ठीक। और रिलीज करने के बाद कुछ टाइम बाद ये क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है उन फिशेज की आपका, ठीक है। और इनका जो लार्वा होता है, लार्वा क्या करता है, लार्वा आपका जो मेटामॉर्फोसिस यानी लार्वा जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो ये दोबारा से आपके वहां फ्रेश वाटर से क्या होता है, दोबारा से मराइन वाटर में आपका चला आता है, ठीक है। यानी मराइन, बट इनके जो मेंबर्स होते हैं मराइन, बट माइग्रेट फॉर द स्विमिंग ऑफ टू फ्रेश वाटर आफ्टर विदिन अ फ्यू डेज दे डाई, कुछ टाइम बाद यानी कुछ दिनों में ये मर जाते हैं, ठीक। लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, ध्यान रखना भैया इस जनरेशन इसको मतलब इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है आपका, मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आना आपका, ठीक है। रिटर्न टू द ओशन आपका, ठीक। ध्यान रखना ओशन में वापस आ जाते हैं आपका, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि आपके पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्ब्रे भी कहते हैं और मिसिन जिसको हैंगफिश भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा बच्चे, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्ब्रे कहा जाता है और मिसिन जिसको हैंगफिश कहा जाता है, इसके अधिकतर जो मेंबर्स आते हैं वो मराइन वाटर में देखने को मिलते हैं। तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस तरह के और आगे के टॉपिक के लिए।